हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको डिटेल में स्क्रब मसाज स्टेप्स बताने वाली हूं, क्योंकि बाकी फेशियल आप करें ना करें, लेकिन ये होता है कि लोग जनरली घर पे स्क्रब वगैरह करते रहते हैं और करना भी चाहिए। तो आप खुद से या किसी और के ऊपर में सिर्फ और सिर्फ स्क्रब मसाज किस तरीके से करें, उसकी टाइमिंग क्या रखें, ब्लैक हेड्स कैसे रिमूव करें, देन स्क्रब को क्लीन करने के बाद में लास्ट प्रोसेस आप क्या करें, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको क्या और कैसे करना है। तो हमें जो है मसाज करना, तो चलिए गाइस अभी हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और स्क्रब के लिए मैं ले रही हूँ ये लोटस का डायमंड स्क्रब। ये क्लिंजर और स्क्रब एक ही साथ में आता है, अगर आपके पास में ऐसा नहीं तो आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टीम ही मैं ऑन कर ली, क्योंकि स्टीम तो हमें चाहिए ही होगा ताकि जो ब्लैक हेड्स वगैरह है वो इजीली क्लीन हो सके। तो स्टीमर मैं ऑन कर ली हूँ और फेस पे स्टीम आ भी रही है। तो इसकी मसाज के साथ साथ ही जो है हम स्टीम भी देते हुए चलेंगे। इस तरीके से पानी रोल करना है और फेस पे लगाना है। स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे, नेक से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे। तो स्क्रब के टाइम पे बहुत ही बेसिक सा स्टेप्स होता है, इसमें हमें कोई भी पॉइंट्स वगैरह दबाने नहीं रहते, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप पॉइंट्स वगैरह दबाएंगे तो इससे चुभन होती है स्किन में, ठीक है। पॉइंट हमें नहीं दबाना होता है, बहुत नॉर्मल हल्के हल्के हाथों से हमें मसाज करनी होती है। और ये जो पोर्शन होता है नोज के पास वाला, इसको बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। यहाँ पे स्टीम भी फेस पे देते हुए जा रही हूँ मैं, ताकि जो ब्लैक हेड्स वगैरह है ना वो सॉफ्ट होके स्क्रब मसाज के टाइम पे ही वो अच्छे से बाहर आ जाए। इसके लिए हमें कोई भी पिन वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही क्लीन हो जाएगा। और आँखों के ऊपर भी स्क्रब नहीं करेंगे, नहीं तो वो आइस में जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको करने का मन है तो आप लास्ट में एक से दो बार ही अपने फिंगर को चलाएंगे। इस तरीके से अंगूठे को यूँ रखना है, ऐसा, ये देखिए, ये आपका ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा रखेंगे और इस तरीके से आपको मसाज देनी है। यहाँ पे दबाव नहीं होना चाहिए जब आप करेंगे, तो बहुत सोच समझ के हल्के हाथों से, इसलिए यहाँ पे आप दबा सकते हैं, हल्का प्रेशर दे सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं, बहुत हल्के से। इसके लिए यहाँ के लिए ये मसाज है और यहाँ के लिए ये वाली, ओके गाइस। और इसके लिए इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऐसे करेंगे तो नोज दब जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो ये आपको नहीं करना है। यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेट थंब की हेल्प से, और यहाँ के लिए ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ओके गाइस। और ये वाले पोर्शन को क्लीन करने के लिए इस तरीके से, स्टीम भी साथ ही साथ फेस में इनको लग रहा है। बीच बीच में आप अपने फिंगर को इस तरीके से गीला करते हुए चलेंगे। और बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करनी है, बिल्कुल जेंटली मसाज करना है।
तरीके से टू फिंगर को रखना है और ऐसा। जब नेक पे मसाज करते हैं तो ऐसा ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ फिंगर को चलाना है और यहाँ के लिए इस तरीके से इस हाथ को ऐसा इस टाइप से फिंगर रखनी है और ये चिन एरिया पे अच्छे से मसाज देनी है लिप्स के पास में, फिर यहाँ नोज के पास में, फिर इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट की आपको और ज़रूरत है तो आप अलग से फिर से ले लेंगे, बट कभी भी एक ही बार में एक साथ में बहुत सारा नहीं लेंगे और इस तरीके से अप्लाई करेंगे। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो तो ऐसे लोगों को स्क्रब नहीं करना चाहिए। अगर आपका करने का बहुत मन है या आपको लगता है कि करना है तो उसके लिए ना अलग से स्क्रब आते हैं जो जिसके कि जो दाने हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि फॉर्म होता है ना सेम वैसे रहते हैं। जैसे कि ये वाला स्क्रब है तो इसके पार्टिकल्स चुभने वाले हैं, लेकिन जो फॉर्म बेस्ड स्क्रब होता है उसके पार्टिकल्स चुभते नहीं हैं। तो आप लोग वो वाला यूज़ करेंगे। और जिनके स्किन में पिंपल की प्रॉब्लम हो तो ऐसे लोगों को भी स्क्रब कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद में ये वाला स्टेप्स आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके जाना है और हल्के हल्के से मसाज देनी है। इस तरीके से ना 3 से 4 मिनट के लिए आपको स्क्रब की मसाज देनी है। और जिनका स्किन बहुत सेंसिटिव हो तो वो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए ही स्क्रब मसाज देंगे। और यहाँ पे ये टू फिंगर के बीच में क्रिस क्रॉस आपको करते हुए मसाज देनी है। और लास्ट में जैसे कि आपका बहुत मन है कि नहीं थोड़ा सा आइज के ऊपर भी मसाज करनी, तो जब आप पूरा स्क्रब मसाज फिनिश कर लेते हैं तो एंड में आपको इस तरीके से हल्का हल्का सा, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फिंगर में नहीं होना चाहिए, बस आपको चला देना इस तरीके से हल्का सा, उंगली आपको 1 से 2 बार राउंड कर देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये स्क्रब कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको क्लीन कर देना है। इस तरीके से फेस को पहले अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो अभी यहाँ पे इनको ऐसा ब्लैक हेड्स वगैरह की कोई दिक्कत नहीं लग रही, क्लीन लग रहा है। फिर भी अगर आपके ब्लैक हेड्स वगैरह अच्छे से ना क्लीन हुए हों तो इस तरीके से एक ब्लैक हेड स्पिन आती है, इसको आप लेंगे, ठीक है? और इसको जो है हल्का सा टोनर के साथ में हम इसको स्प्रेड करेंगे, ठीक है? और हल्का सा पिन को यहाँ दबा दबा के इसको जो भी होगा तो ब्लैक हेड्स को जैसे ही आप क्लीन कर लेते हैं उसके बाद में क्या करेंगे, कोई भी टोनर लेंगे, जैसे कि ये गुड वाइब्स का कुकुम्बर टोनर है तो
अभी समर सीजन के लिए कुकुम्बर टोनर बहुत अच्छा रहता है, और जिनकी ऑयली या पिंपल वाली स्किन है तो आप यही वाला यूज़ करें। आप क्या करें, पूरे फेस पे इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे और इसको हल्का हल्का सा इस तरीके से फिंगर की हेल्प से डैप डैप कर देंगे। तो अभी स्क्रब हुआ है तो पोर्स ओपन है, ये पोर्स के अंदर में जाएगा और स्किन को बहुत अच्छे से अंदर से टाइट करेगा और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह है उसकी भी प्रॉब्लम को ये खत्म करेगा। तो ये अभी बहुत ही अच्छे से जो है जा चुका है स्किन के अंदर। जैसे ही टोनर स्किन के अंदर जाता है तो स्किन हल्की टाइट सी फील होती है। उसके बाद ही आप कुछ नेक्स्ट स्टेप्स करेंगे। इसके बाद में मैं क्या करूँगी, इस तरीके से सीरम लूँगी, क्योंकि आप कोई मसाज वगैरह तो करनी नहीं है, तो आप कोई भी सीरम ले लेंगे जो आपको पसंद हो। इस तरीके से इसकी कुछ बूंदे आप फेस पे ऐड कर देंगे। और इसको फिंगर की हेल्प से, पाम यूज नहीं करेंगे, फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। इस तरीके से हल्की मसाज करते हुए के बाद में हमें चाहिए होगा मास्क। तो इस तरीके से मैं मास्क को बाउल में निकाल ली हूँ, ठीक है। और इसमें जो है मैं टोनर की कुछ बूंदे ऐड करूंगी इस तरीके से। और इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो ये प्रोसेस आपको जब भी आप स्क्रबिंग करते हो तो जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्क्रब से मसाज किए और स्किन को ऐसे ही छोड़ दिए, ये काम आप जरूर करेंगे। इससे देखेंगे कि आपको एक फेशियल और क्लीनअप वाला ग्लो फेस पे मिलेगा और आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हेल्दी रहेगी। और इसका एक बेनिफिट और भी बहुत अच्छा है, मैं आपको बता दूँ, जिनको भी टाइम समझ नहीं आता, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ स्क्रब बहुत हल्के हाथों से करना होता है, एकदम दबा दबा के नहीं करना होता है, रगड़ना नहीं होता। बहुत ज़्यादा आप रगड़ेंगे तो स्किन आपकी छिल जाएगी। तो अगर मान लीजिए आपसे गलती हो भी जाती है और लास्ट में आप ये सारा प्रोसेस कर लेते हैं ना, तो आपके स्किन में कोई हार्म नहीं होगा। जो भी आपको छिलने की वजह से बाद में ईचिंग या खुजली की प्रॉब्लम हो सकती थी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा। तो ये आपको कर लेना है। तो बहुत अच्छे से अप्लाई करके हम सूखने तक के लिए छोड़ेंगे। और फेस पैक अप्लाई करने का या सूखने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। 10 मिनट में भी सूख सकता है, 15 मिनट भी लग सकता है। गर्मियों के टाइम पे पैक जल्दी सूख जाता है, तो उसके लिए क्या करें, कम से कम 15 मिनट तक तो रहे ही रहे, उसके लिए आप इसको थोड़ा सा पतला करके यूज़ करें। तो ये भी कंप्लीट हो गया। जब ये सूखेगा उसके बाद फिर मैं इसको क्लीन करूँगी और फिर फाइनल जो रिजल्ट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे इनका फेस पैक ड्राई हो गया था तो मैं डायरेक्ट फेस क्लीन करने के बाद ही आप सबको दिखा रही हूँ। और जैसे ही आप फेस पैक को क्लीन कर लेते हैं ना, तो लास्ट में आप चाहें तो कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैं आपको बेस्ट ऑप्शन दूँगी कि आप सीरम ही यूज़ करें। इसकी एक दो बूंदे इस तरीके से एक दो ड्रॉप डालेंगे फेस पे और इसको ब्लेंड कर देंगे अच्छे से और ऐसे ही स्किन को छोड़ देंगे। तो जब भी आप स्क्रब करते हैं ना फेस पे, तो कभी भी उसके बाद में आप फेस वॉश नहीं करेंगे, ठीक है। कम से कम वन डे आप फेस को ऐसे ही रखें, कोशिश करें कि 24 आवर्स ऐसे ही रहे आपका स्किन बिना किसी हैवी मेकअप के या कोई भी फेस वॉश वगैरह।
तो इस तरीके से स्क्रब का सारा प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। आज के बाद जब भी आप स्क्रब करें, जिस तरीके से मैं आपको बताई हूँ इसी तरीके से आप लोग करेंगे। और जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो तो आप लोग स्क्रब मत किया करें, ठीक है। सिर्फ अपने फेस को क्लिंजर वगैरह से अच्छे से क्लीन किया करें, पैक वगैरह अप्लाई किया करें, बट स्क्रब मत करें। स्क्रब करें आप जैसे लोगों को सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए स्क्रब करना चाहिए। आई होप कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी कुछ डाउट रहे, कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। और हाँ गाइस, आज मैं सेकंड चैनल पे वीडियो अपलोड की हूँ पार्लर प्रोडक्ट को लेके, कि मैं रायपुर में रहते हुए कहाँ से प्रोडक्ट बाय करती हूँ। तो उसके लिए आप मेरे सेकंड चैनल पे जाइए, ऑल अबाउट संगीता, वहाँ पे वीडियो देखिएगा। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वहाँ पे मैं दिखाई हूँ। चलिए गाइस, फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कल मिलती है एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइस।